सब्सक्राइब कीजिए दिनेश कुमार चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, घर बैठे पैसे कमाने की जानकारी सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सीख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ईथर डेल्टा एक्सचेंज के बारे में। जानेंगे दोस्तों कि आपके पास जो ईथर डेल्टा के अंदर कॉइन अवेलेबल हैं या आपने टोकन बाई करके रखे हुए हैं, आप उनको कैसे जो है स्टोर कर सकते हैं अपनी माई ईथर वॉलेट के अंदर, ताकि आप जो है और ज़्यादा सिक्योर फील कर सकें और किसी अदर एक्सचेंज पर जो है उनको ट्रांसफ़र कर सकें और वहाँ पर जाकर जो है ट्रेड कर सकें और उसका बेनिफिट या एडवांटेज उठा सकें। तो दोस्तों अगर आप ये सारी प्रोसेस जानना चाहते हैं स्टेप बाई स्टेप, तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपने ईथर डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट के अंदर लॉग्ड इन हो चुके हैं। आप जैसे ही दोस्तों अपने अकाउंट के अंदर लॉग्ड इन होंगे तो कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों आपके पास जो भी टोकन अवेलेबल है, आप उस टोकन को सिंपली यहाँ पर जाके सेलेक्ट करिए। जैसे दोस्तों आप अपने टोकन को सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आपको दिखाई देगा। देख सकते हैं दोस्तों आप, हमारे पास जो MED टोकन यानी कि मेडिकल टोकन है वो वॉलेट के अंदर पहले से 88 अवेलेबल है, लेकिन आपको यहाँ पर जीरो दिखाई दे रहा होगा और जो आपके पास बैलेंस होगा दोस्तों वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब दोस्तों आपको जो आपके पास बैलेंस अवेलेबल है इसको ट्रांसफर करना है माई ईथर वॉलेट के अंदर। तो सबसे पहला काम आपको आपका सेटअप करना है, यानी कि अपने टोकन को ऐड करना है, या ये कह सकते हैं कि अपने टोकन को कस्टम ऐड करना है माई ईथर वॉलेट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर विड्रॉल करने से पहले या ट्रांसफर करने से पहले आपको जाना है अपनी माई ईथर वॉलेट के अंदर, और माई ईथर वॉलेट के अंदर आने के बाद दोस्तों आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा है ऐड कस्टम टोकन, आप यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपसे मांग रहा है कॉन्टैक्ट एड्रेस, टोकन सिंबल और डेमिकल्स। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको कहाँ से मिलेंगी, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐड कस्टम टोकन के ऊपर दोस्तों लिखा हुआ है ethplora.io, यहाँ पर आप क्लिक करिए। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा, यानी कि इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक सर्च बार आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर सिंपली आपको टाइप करना है उस टोकन का नाम जो आपके पास टोकन अवेलेबल है। अब दोस्तों हमारे पास जो टोकन है वो है MED टोकन यानी कि मेडिकल टोकन, तो हम यहाँ पर डालेंगे MED टोकन। तो जैसे आप सर्च करेंगे दोस्तों सबसे ऊपर यहाँ पर आ चुका है MTN के नाम से, यानी कि मेड टोकन, आप यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इसका इंटरफेस जो है दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, यानी कि यह है इनका कॉन्टैक्ट एड्रेस, आप इसको यहाँ से कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद दोस्तों सिंपली आप माई ईथर वॉलेट के अंदर जाइए और यहाँ पर जो टोकन कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया है यहाँ पर आप इसको पेस्ट करिए। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप जाएंगे थोड़ा नीचे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सिंबल है वो MTN के नाम से है और डेमिकल जो है इसका वो 18 है, यानी कि 18 है। तो दोस्तों आप यहाँ पर डालेंगे टोकन सिंबल में MTN और डेमिकल्स में डालेंगे दोस्तों 18 डालने के बाद दोस्तों सिंपली आप सेव के ऊपर क्लिक करिए। जैसे सेव के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं MTN जो है हमारे पास 88 अवेलेबल है, यानी कि हमारे पास पहले से ही वॉलेट में वहाँ पर 88 टोकन जो है अवेलेबल था, तो वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 88 टोकन हमारे पास अवेलेबल है, वो वहाँ पर जो है शो हो रहा है। अब दोस्तों हमारे पास 100 टोकन यहाँ पर अवेलेबल है। अब दोस्तों हम इन टोकन को जो है यहाँ से ट्रांसफर करेंगे अपनी माई ईथर वॉलेट के अंदर। तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, विड्रॉल के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे दोस्तों आप विड्रॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डालना है अमाउंट की कितना अमाउंट जो है आप यहाँ से ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर 100 टोकन जो है ट्रांसफर करना चाहते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। हमने सारी वैल्यू यहाँ पर डाल दी है दोस्तों जितने हमारे पास अवेलेबल है। अब सिंपली दोस्तों विड्रॉल के ऊपर क्लिक करिए। जैसे दोस्तों आप यहां पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा। अब दोस्तों आपको सिंपली यहां पर ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों अभी हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर में आपका जो ये बैलेंस होगा यहां से जो है जीरो हो जाएगा।
और इन 88 टोकन के अंदर जो है प्लस हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर प्लस होता है तो फिर आप अपनी माई ईथर वॉलेट को जो है रिफ्रेश करके देखिए, वहाँ पर आपको जो है आपके टोटल टोकन दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा बैलेंस यहाँ से जीरो हो चुका है और वॉलेट के अंदर जो है एड हो चुका है। अब दोस्तों माई ईथर वॉलेट के अंदर चलेंगे और यहाँ पर जो है दोस्तों इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास बैलेंस आ चुका है जो की 88 था वो अब हो चुका है 188। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने ईथर डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल बैलेंस को माई ईथर वॉलेट के अंदर जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो के दौरान इससे रिलेटिव और भी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर आपके इससे रिलेटिव कुछ और क्वेश्चन क्वेरीज या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उनसे रिलेटिव भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यहाँ पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि ऑनलाइन में अर्निंग से रिलेटिव जो अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लेकर आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में मिलती रहे और आप किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी या अपडेट को मिस ना कर पाएं और ऑनलाइन में अर्निंग का फायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलेंगे फिर अगले वीडियो में किसी अच्छी न्यूज अपडेट या किसी अच्छे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।